एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को अपना मेन कैरेक्टर जिसका नाम कामरो रहता है वो दिखाया जाता है, एंड अपनी जो फीमेल लीड है जिसका नाम मियाए सा है वो भी हम लोग को दिखाई जाती है। अपना जो मेन कैरेक्टर रहता है वो मियाए के बारे में सोचते हुए सोचता है अपने दिमाग में स्कूल जाते हुए कि वो लड़की कितनी ज़्यादा खूबसूरत है और मेरे दिमाग में चलती रहती है, और जब भी मैं उसको देखता हूँ तो देखते ही रह जाता हूँ, और सच बोलूँ तो मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये सीन हम लोग को दिखाया जा रहा था जब ये अपने स्कूल जा रहा था, एंड वहाँ पर बहुत सारे लड़के भी हम लोग को दिखाए जा रहे थे, एंड जाते हुए वो उसी की लड़की के बारे में सोचते जा रहा था, यानी कि मियाए के बारे में। एंड उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कुछ लड़कियाँ क्लब के बारे में बात कर रही होती हैं उसके बगल में, एंड तभी वो जाता है क्लास में, एंड उसके बगल में ही अपनी जो फीमेल मेन कैरेक्टर दिखाई गई है इस सीरीज़ की जिसका नाम मियाए रहता है, तो हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, दिखाई जाती है। एंड वो जो लड़का रहता है उसको देख कर बोलता है कि ये जो लड़की है ये मेरे बगल में बैठी रहती है क्योंकि जो अपनी क्लास है वो रीशफल हो गई थी जिसके वजह से ये मेरे क्लास में आ गई, लेकिन जो भी हो मैं इसके प्यार में पड़ चुका हूँ एंड मेरी तो नज़र ही नहीं हटती उससे, भले ही वो जो ग्लासेस वो पहनती क्यों ना हो। एंड उसके अंदर जब मेरी नज़र जाती है यानी कि ग्लास के अंदर उसके जो थिक लेंसेस रहते हैं उसको देख कर भी उसको सिर्फ प्यार आता है। अगले दिन हम लोग को दिखाया जाता है वो जो लड़की रहती है यानी कि मियाए वो अपना जो चश्मा रहता है यानी कि ग्लासेस वो नहीं लगाए रहती, तो वो सोच रहा होता है कि मतलब इसने ग्लास क्यों नहीं लगाया, लेकिन खैर जो भी हो ये फिर भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। एंड वहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है जो मियाए रहता है उसका कुछ एक्सप्रेशन अच्छा नहीं रहता, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, एंड उसके बाद वो सोचता है कि यार इसकी आँखें तो बहुत ज़्यादा स्कैरी है, डरावनी लग रही, लेकिन फिर भी ये अभी भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। उसका वो जो लड़की रहती है अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देखती है एंड बोलती है गुड मॉर्निंग, एंड ये चीज़ सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा फंबल कर जाता है एंड उसको समझ नहीं आ रहा था क्योंकि भाई उससे कोई लड़की बात कर रही है। अब भाई तुम लड़को अगर देख रहे हो तो समझ रहे होगे। अगले सीन में दिखाया जाता है उसको कुछ समझ तो नहीं रहता है, एंड वो ये भी कहता है कि मतलब मैं तो कभी किसी लड़की से बात नहीं किया। तभी वो जो लड़की रहती है उसकी तरफ देख कर बोलती है कि मुझे पता है जो मेरी आँखें वो थोड़ी सी स्कैरी लग रही हैं आज, लेकिन मैं सही से देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि अब मैंने जो अपना ग्लास है वो मैं भूल चुकी हूँ, तो मुझे कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा, एंड यार मतलब इसकी दुनिया कर सकते ब्लर सी हो गई है। ऐसा वो बताती है एंड बोलती है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई मेरे लिए। एंड उसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है वो भी सोचता है कि हाँ इसको सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन ठीक है। उसका वो ये भी सोचता है कि अगर इसको दिख नहीं रहा तो ये स्कूल क्यों आ गई, क्या इसको पता नहीं था कि सुबह निकलते टाइम इसको ग्लासेस पहननी थी। खैर जो भी हो शायद ये घर पर भूल गई होगी, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, इसका मुँह पर नहीं बोलता। अगले सीन में दिखाया जाता है वो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि मेरी पहली बार है इस महीने में कि मैं अपने ग्लासेस को भूल गई हूँ, मतलब ऐसा होता तो नहीं है। तभी अपना जो मेन कैरेक्टर रहता है वो सोचता है कि मेरे को शायद इसकी मदद करनी चाहिए, मतलब कर तो मैं सकता ही हूँ लेकिन मेरे जैसा लड़का मतलब मैं क्या ही, ऐसा वो सोच रहा होता है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी टाइम नहीं है सारी चीज़ें सोचने के लिए, मेरे को मियाए सान को सपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसा सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर वो जो लड़की रहती है वो अपने बैग से जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक रहती है उसको ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसमें हिस्ट्री की बुक कौन सी है, मतलब क्या कोई मेरी मदद कर सकता है, ऐसा वो सोच रही होती है। तभी वो जो लड़के रहते हैं उससे मदद मांगती है, एंड उसके बाद वो जो लड़का रहता है उसके बैग की तरफ जाता है एंड उसकी मदद करने की कोशिश करता है, ऐसा वो उस लड़की से पूछता है। वो जो लड़की रहती है उसको देखने लगती है, तभी वो जैसे ही पास जाता है तो भाई उसकी हिम्मत नहीं रहती कि वो उसके क्लोज जा सके, तो वो बोलता है कि तुम मेरी बुक ले लो लेकिन भाई मेरे से थोड़ा दूर रहो। तो फाइनली जो उसके टेक्स्ट बुक रहती है वो उसको दे देता है, एंड वहाँ पे वो मतलब थोड़ा सा हड़बड़ाने भी लगता है कि मुझे माफ़ कर दो तुम मेरी बुक ले सकती हो, ठीक है, ऐसा वो बोल देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यार वो उसके क्लोज चली जाती है बहुत ज़्यादा, एंड तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो लोग साथ में पढ़ाई करने लगते हैं, एंड उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, सोचने लगता है, मतलब नर्वस फील कर रहा था भाई क्योंकि उसके बगल में वो जो लड़की थी वो बैठी थी, तो वो सोच रहा था एक लड़की मेरे बगल में बैठी है मतलब कैसे। एंड तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो भाई इसको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, मतलब अपनी बुक में पूरा घुस सी गई थी। एंड वो जो टेक्स्ट बुक रहती है वो बेसिकली तुम्हें पता है कि यार एक बुक रहती है एंड साथ में हम लोग एक नोट मतलब जिस पर हम लोग नोट्स बनाते हैं, तो वो उसको मतलब वो जो लड़का था उसकी नोट्स पे ही देख रही थी, तो उसके और क्लोज जाते जा रही थी, तो वो जो लड़का रहता अपना धीरे धीरे परेशान होते जा रहा था। उसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर था वो ये भी सोचता है कि क्या इसको डिस्टेंस नहीं समझ में आ रहा, मतलब शायद इसका कुछ भी नहीं दिखता अपने ग्लास के बिना, शायद इसीलिए ये मेरे इतने ज़्यादा पास है इसको पता भी नहीं है, लेकिन ये मेरे दिल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मतलब ये लड़की ये कुछ ज़्यादा ही पास है, ये बहुत ज़्यादा पास है। लेकिन फिर भी भाई वो अपने दुनिया में ही खोया हुआ था, मतलब वो ये भी सोचता है कि एक लड़की जो कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत है मेरे बगल में ये कितना ज़्यादा कूल है, ये चीज़ और भी ज़्यादा मेरे को अच्छी लगती है, लेकिन वो नर्वस भी साथ में था। अगले सीन में वो जो लड़की रहती है उसके कुछ ज़्यादा ही पास आ जाती है एंड वो सोच ही रहा होता है, एंड अगले ही मोमेंट पर वो उससे उसका नाम पूछती है, तो बताता है मेरा नाम है कोमुरा, ऐसा वो बोलता है।
एंड वो जो लड़की रहती है उसको बहुत ही शक के निगाहों से देखने लगती है। खैर उसकी नजरें ही वैसे हैं भाई, वो उस पर शक नहीं कर रही थी उस टाइम क्योंकि उसको बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था। आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि वो ये बताती है कि मैं तुम्हारे बगल में बैठती हूँ इसलिए मैंने तुम्हारा नाम पूछा, एंड कोमुरा-कुन थैंक्स मेरी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। एंड अगले मोमेंट पर वो अपना जो हेड रहता है उसको डाउन कर वापस से बुक को पढ़ने लगती है। एंड अगले मोमेंट पर हम लोग को देखने को मिलता है वो अपने आप से बोल रहा होता है बात करते हुए कि उसने मेरे को पकड़ ही लिया था कि मैं उसको देखते जा रहा था। अगले मोमेंट पर वो जो लड़की रहती है वो अपने जो जूते रहती है उसको पहन रही थी लेकिन वो पहन नहीं पा रही थी, उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तभी अपना जो मेन कैरेक्टर रहता है उसके पास जाता है एंड पूछता है कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद वो जो लड़की रहती है उसको वापस से घूरने लगती तो बोलता है कि अरे मैं ही हूँ यार क्लास में जो घूम रहा था, मतलब मैं ही था जो तुम्हारे बगल में बैठा था एंड तुम्हारे चेहरे को देखते ही जा रहा था। उसका वो बोलता है कि ये मैं क्या बोल दिया, ये कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है। खैर जो भी हो, उसका जो लड़की रहती है उसको पहचान लेती है एंड लड़का बोलता है कि थैंक गॉड तुमने मेरे को पहचान लिया, तो अब क्या तुम मेरे को बता सकती हो कि आखिर में मैटर क्या है। उसका जो अपनी मेन कैरेक्टर यानी कि लड़की रहती है वो बोलती है कि जो मेरे जूते हैं ये मेरे को थोड़े से बड़े लग रहे हैं, मतलब क्या ये मेरे ही जूते हैं, मेरे को अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। एंड उसका जो लड़का रहता है सोचता है कि यार इसके जूते तो मेरे डिज़ाइन जैसे हैं। तभी वो लॉकर रूम की तरफ देखता है एंड देखता है कि उसके लॉकर रूम से उसने इसके ही जूते निकाल लिए थे। आगे हम लोग को पता चलता है कि जब मियाँ अपने क्लास से निकली थी तो वहाँ पर वो अपने दोस्तों से बात कर रही थी एंड वो बोलती कि मैं अपने शू को लॉकर से ले लूँगी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड तुम लोग जा सकते हो अपने जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं क्लब में उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, मेरी चिंता तुम लोग बिल्कुल ही मत करो, ऐसा वो अपने दोस्तों से कह रही थी। एंड फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लॉकर में आती है यानी कि जो लॉकर रूम्स वगैरह रहते हैं उनमें से एक मतलब जो लॉकर रहता है उसको खोलती है देखती है एंड उसको टच करके फील करती है, बट उसको लगता है कि नहीं ये मेरा जूता नहीं है तो शायद मैंने मिस्टेक कर दिया है। तो उसके बाद गलती से वो उसका लॉकर खोल कर उसका जूता पहन लेती है एंड इससे पता चलता है कि भाई वो कैसे चीज़ों में फंस गई। आगे हम लोग को दिखाया जाता है वो ये भी बताती है कि मेरे को लगा ये मेरे जूते हैं एंड उसके बाद वो लड़का कहता है हाँ इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम कोई टेंशन मत लो इसमें बुरा बिल्कुल नहीं माना हूँ। आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि ये लड़की मेरे जूते पहन रही है तो नहीं मैं ये सारी चीज़ें नहीं सोच सकता, अब तुम लोग समझ रहे हो भाई। उसको थोड़ा अजीब लग रहा था कि एक लड़की ने उसके जूते पहने, मतलब मैं अपने जूते से ही बहुत ज़्यादा जलता हूँ, मतलब ये कैसे, लेकिन ये आखिर हैं तो मेरे ही जूते तो मैं आखिर इनसे क्यों जलूँ, मतलब ठीक है यार। आगे हम लोग को दिखाया जाता है वो उस लड़की से पूछता है कि वैसे तुम्हारे जूते कहाँ पर हैं, मतलब मैं उनको ढूंढ सकता हूँ। एंड उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो जो लड़का रहता है यानी कि हम लोग का मेन कैरेक्टर वो जो लॉकर रहता है उसको बेसिकली खोलता है एंड वहाँ पर उसके जूते ढूंढने लग जाता है। एंड तभी हम लोग को देखने को मिलता है वो जो जूते रहते हैं वहाँ पर एक मेढक बैठा रहता है एंड आगे हम लोग को देखने को मिलता है वो जो लड़का रहता है लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हें मेढकों से डर लगता है, एंड वो बताती है कि हाँ जब मैं उनको छूती हूँ तो बहुत ज़्यादा अजीब लगते हैं वो मेरे को, तो वो उससे बोलता है कि तुम अपने आप को उल्टा करो यानी कि उस तरफ देखो। एंड तभी हम लोग को देखने को मिलता है वो जो बेसिकली फ्रॉग रहता है उसको वो भगा देता है एंड उसका उसके जो जूते रहते हैं वो उस लड़की को दे देता है। एंड मियाँ को अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब यार उसके जो जूते हैं उस पर एक मेढक था, उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा था। एंड उसके बाद वो जो फीलिंग रहती है उसको रिलेट कर लेती है, बट ठीक है। आगे हम लोग को देखने को मिलता है कि जो अपना मेन कैरेक्टर यानी कि कमातो रहता है जब वो अपने जूते को पहनने जाता है उसको ये सोच रहा था कि यार मतलब इस लड़की ने इस जूते को पहना है, बट स्टिल वो जूता पहन लेता है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जो उसके शू लेस रहते हैं वो बंधे नहीं रहते उस लड़की के, तो जो अपना मेन कैरेक्टर कामातो रहता है मियाँ को रोकता है एंड उसके जो जूते रहते हैं उसको बांध देता है। उसका लड़की बोलती है कि तुम्हारे काइंडनेस को मैं एक दिन ज़रूर रीपे करूँगी यानी कि वापस से तुम्हें भी ऐसा ही कुछ मदद करने की कोशिश करूँगी। आगे वो जो लड़का रहता है वो बोलता है अपने दिमाग में कि भाई उसके पैर की तरफ मत देख, एंड उसके बाद वो वापस से बोलती है कि मेरी मदद करने के लिए आज के दिन बहुत ज़्यादा थैंक्स, एंड अगर तुम आज नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या ही होता, तो अगैन बहुत ज़्यादा थैंक्स मेरी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए। एंड उसका वो लड़का भी सोचता है कि हाँ यार मैं तो आज मियाँ-सान के साथ पूरे दिन था, मैं तो भूल ही गया था, एंड सच बोलूँ तो मैं इस दिन को कभी नहीं भूल सकता कि आज मैं इस लड़की के साथ था। उसका जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है जितने भी चीज़ें हुई हैं आज के दिन सारी चीज़ों को याद करने लगता है। तभी अगले ही मोमेंट पर जो मियाँ रहती है उसको देखने लगती है, तो वो जो लड़का रहता है वो पूछता है कि आखिर में बात क्या है, तुम इतना ज़्यादा मेरे क्लोज क्यों आ गई हो। उसके बाद वो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि मेरे को भी ये चीज़ वापस लौटानी है, मतलब जो तुमने काइंडनेस मेरे को दिखाई है, एंड मैं तुम्हारे पास इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जो चेहरा है उसको मैं याद कर सकूँ अपनी मेमोरी के अंदर, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि यार उसको सही से दिख नहीं रहा था तभी थोड़ा सा क्लोज आ गई थी।
उसका आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि जो अपना मेन करेक्टर कमाते रहता है वो अपने घर पे पहुंच जाता है, लेकिन वो ये सोच रहा था क्या वो अपने घर पहुंची है, क्योंकि स्कूल से तो उसका घर बहुत ही ज़्यादा दूर है। लेकिन शायद मेरे को इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मतलब अब तक तो वो मेरे ख्याल से घर पहुँच भी गई होगी, एंड इतना ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है यार। लेकिन पता नहीं मेरे को अजीब क्यों लग रहा है, ये जो फीलिंग है ये थोड़ी सी अजीब हो गई है। लेकिन क्या कल भी जो मियांसान है वो अपने ग्लासेस के बिना आएगी, ऐसा वो सोच रहा था। तभी अगला दिन होता है एंड हम लोग को दिखाया जाता है ये लड़की वापस से अपने ग्लासेस नहीं लगाई रहती, एंड उसको बताती है कि मैं गलती से उनके ऊपर चढ़ गई थी एंड वो टूट गए, तो मैं आज भी उनको भूल गई हूँ, मतलब ये क्या हो गया। उसके बाद आगे हम लोग को दिखाया जाता है वो जो लड़का रहता है वो सोचता है कि कल जो मैंने विश मांगी थी क्या वो सच में आज सच हो गई है, मतलब ये आज भी ग्लासेस नहीं पहन के आई है, एंड शायद ये कर्स है जो कि मेरे से कल हो गया एंड आज ये वापस से अपने ग्लासेस नहीं पहन कर आई है। एंड यार ये चीज़ कह सकते हो उसको बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा बेकार लग रही थी। अगले सीन में जो लड़की रहती है वॉलीबॉल खेलने आ जाती है एंड वहाँ पर सारे लोग उसको देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि भाई इसको दिख ही नहीं रहा था तो आखिर मैं वॉलीबॉल खेलने क्यों आई थी। एंड उसका जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है उस लड़की यानी कि मियाँ से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर खेलने क्यों आई हो। उसका रहा बोलती है कि भले ही मैं अपने ग्लासेस भूल गई हूँ लेकिन मैं वॉलीबॉल खेलना नहीं छोड़ सकती, मेरे को मज़ा आता है इन सारी चीज़ों में। कमा तो बोलता है कि तुम बॉल को देख भी नहीं सकती आखिर तुम खेलोगे कैसे। उसका वो जो लड़की रहती भाई उसको तो कोई टेंशन ही नहीं थी, मतलब वो बोलती है कि एक बैटल फील्ड है एंड एक जंग के मैदान में चाहे जो भी हो जाए इंसान खेलते रहेगा। तभी वो जो अपना मेन करेक्टर रहता है वो हिम्मत लगाकर उसके आगे आ जाता है एंड बोलता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसका जो लड़की रहती वो भी उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है, तुम लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, एंड उसके बाद भाई वो तो शर्माने लगता है बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे ही वो उसको बचाने जाता है एक बॉल उसको लगती है एंड जो अपना कोमुरा कुन रहता है वो आउट हो जाता है, तो उसका पोपट हो जाता है। अगले दिन मतलब क्लास में ही उसी दिन हम लोग को दिखाया जाता है कि ये लोग क्लास में रहते हैं एंड वहाँ पर जो अपने सर रहते हैं वो पढ़ा रहे होते हैं फिजिक्स कि भाई पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज होती है। अब अगर तुम लोग फिजिक्स पढ़े हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं। खैर अगले मोमेंट पर वो जो टीचर रहता है वो उस लड़की को देख लेता है एंड बोलता है कि अपना सोना बंद करो। तभी जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है कोमुरा कुन वो बोलता है कि शायद ये पढ़ रही होगी लेकिन ये तो सच में शो रही है। उसके बाद वो आगे बढ़ता है एंड बोलता है कि टीचर तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें सोना नहीं चाहिए ऐसे क्लास में। उसका वो परेशान हो जाता है कि आखिर वो करे क्या, लेकिन वो ये भी सोचता है कि शायद मेरे को अब इसको उठाना चाहिए लेकिन मैं इसको उठाऊं कैसे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब होते जा रही है। नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मतलब मैं उसके पास कैसे जाऊं, मतलब मैं इसको छुए बिना कैसे उठा सकता हूं यार, ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है, ऐसा वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है। तभी वो जो टीचर रहता है उसको चिल्लाते जाता है कि हे वो जो लड़की है वो उठो। तभी वो जो लड़का रहता है यानी कि अपना मेन कैरेक्टर कोमुरा कुन वो फाइनली अपने हाथ को ऊपर उठा देता है एंड बोलता है कि सर इसने अपने जो ग्लासेस है वो आज ये पहन के नहीं आई है, जिसके वजह से ये नहीं मतलब जो अपनी बुक है उसके तरफ देखकर उसको पढ़ रही है। तभी उसका जो चेहरा वो नीचे झुका हुआ है एंड ये सो नहीं रही है, ये आपके लेक्चर पे पूरे तरीके से ध्यान दे रही है। तभी जो अपने सेंसर रहते हैं वो पास में आते हैं, बोलते हैं कि तुम ये चीज़ मेरे को पहले भी बता सकते थे। उसके बाद अगले मोमेंट पर वो जो लड़का रहता है वो सोचता है कि यार मैं इसको सोने नहीं दे सकता, मतलब मेरे को इसको टच करना ही पड़ेगा लेकिन मैं इसको टच भी नहीं कर सकता उठाने के लिए। उसका अगले सीन में जो अपनी फीमेल लीड रहती है यानी कि मियाँ है वो फाइनली उठ जाती है एंड उसको देखने लगती है एंड उसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरे ग्लासेस देखे हैं, एंड वो उसको डैड बुलाने लगती है। भाई मतलब समझ रहे हो तुम, उसका उसके क्लोज जाकर बोलती है कि तुम मेरे डैड हो, तुम ही मेरे डैड हो, ऐसा बोलने लगती है। एंड उसके बाद मतलब यार उसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था वहाँ पर, तुम लोग बस ये समझ सकते हो। एंड उसके बाद वो बोलती है कि डैड आपने मेरे ग्लासेस वापस से ले लिए क्या गलती से, अगर लिए हैं तो प्लीज़ दे दो, ऐसा वो बोल रही होती है। एंड वहाँ पर वो लड़का सोचता है कि ये सारी चीज़ शायद मेरे को नहीं विटनेस करनी चाहिए थी। एंड उसका जो अपनी मेन लीडर थी वो बोलती है कि शायद मेरे को वापस से सो जाना चाहिए एंड वो उसके कंधे पे सो जाती है। भाई मैं तो सोच रहा था क्लास में हो क्या रहा है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हो अपने जो सेंसर रहते वो वापस से आते हैं एंड मियाँ को मार देते हैं वहाँ पर। एंड वो जो अपना लड़का रहा था वो सोच रहा था कि काश ये समय यहीं पर रुक जाता एंड मैं इस मोमेंट को हमेशा के लिए एंजॉय कर पाता, एंड ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। नेक्स्ट डे क्लास में हम लोग को वापस से दिखाई जाती मियाँ और वो आज भी ग्लासेस नहीं लगाई रहती। एंड सच बोलो इस मोमेंट में मुझे लगता है कि भाई ये एनिमे की क्या चल रहा है, मतलब कुछ भी। एंड उसका नेक्स्ट मोमेंट पर वो वापस से उसके क्लोज जाती है उस लड़के के एंड उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज जाती है और उसको देखने लगती है। एंड उसके बाद वो लड़का बोलता है कि ये मैं ही हूँ कोमुरा, एंड जो उसका चेहरा रहता है वापस से बहुत ही ज़्यादा लाल होने लगता है, तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड वो जो लड़की रहती है वापस से एक बहुत ही क्यूट स्माइल दे देती है उसको देखने के बाद एंड वहाँ पर बोलती है कि अच्छा तुम इस तरीके से दिखते हो। एंड उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट मोमेंट में पता चलता है कि वहाँ पर वो जो अपनी मेन लीड रहती है यानी कि मियांसान वो एक कॉन्टैक्ट लेंसेस लगा के लाई रहती है अपने आँखों में, जिससे कह सकते हो उसको सारी चीज़ें दिख रही होती है, तो उसको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। एंड वो उसके पास इसलिए गई थी कोमरा के पास जिससे उसका चेहरे को सही से देख पाए। एंड वहाँ पर वो सबको बताती है अपने दोस्तों की कि आज मैं सारी चीज़ें वापस से क्लियरली देख सकती हूँ एंड उसकी आँखें सही हो चुकी है, तुम लोग बोल सकते हो।
तो गाइस अगर तुम लोग को हम लोग का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार। और भी अगर तुम लोग एपिसोड देखने तो कमेंट में जाकर रेड मार दो भाई एपिसोड 2 का। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो क्योंकि मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में। तो आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।